हेलो दोस्तों, हम लोग कोल्हापुर पहुंच गए। कल रात में पहुंचे थे 8 बजे। फिर नाइट स्टे था यहाँ पे, तो अभी सुबह हो गई है। सुबह के 10 बजे है। हम लोग अभी ब्रेकफास्ट करने के लिए यहाँ पे नीचे रेस्टोरेंट में आए हैं। तो ये हमने अभी उपमा उत्पम ऑर्डर किया है। अभी इसके बाद हम लोग पुणे के लिए निकलेंगे। तो मेरे साथ मम्मी बैठी है जो कि ब्रेकफास्ट कर रही है। तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? बेस्ट होटल, बढ़िया होटल है। उपमा एंड उत्पम, बाहर का व्यू बढ़िया। ये बाहर का व्यू है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। हाईवे टच होटल ही है और इनका एक इन हाउस रेस्टोरेंट है। तो ब्रेकफास्ट हमें पैकेज में नहीं मिला था, हमें एडिशनली ऑर्डर करना पड़ा था। क्या नाम है होटल का? होटल 3 स्टार। अभी फिर इसके बाद अभी हम लोग निकलेंगे पुणे के लिए। आई थिंक 1 घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद चेकआउट करना है। नाश्ता करेंगे, पैकिंग वगैरह करके फिर निकलेंगे। चलिए फिर मिलते हैं बाद में। हेलो दोस्तों, तो ये रूम है जहाँ पे हम लोग रुके। तो ये होटल का पीछे का व्यू कितना मस्त दिखता है। तो ये कोल्हापुर का होटल है, 3 स्टार। पूरा हिल व्यू दिखता है और ये विलास है पीछे जो हमने बनाए हुए। काफ़ी शांत जगह है, काफ़ी शांत होटल है। तो जब भी किसी को कोल्हापुर रुकना हो तो वो ये होटल प्रेफर कर सकते हैं। देखिए ये रूम, कितना बड़ा रूम है, बहुत ही स्पेशियस रूम है। और बहुत ही अच्छे से आप यहाँ पे नाइट स्पेंड कर सकते हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये रूम। बेड भी काफ़ी बड़ा है, किंग साइज बेड है। और एसी है, फैन है, टीवी है। मेन है कि इसका इंटीरियर काफी अच्छा है, जो कि मुझे बहुत पसंद आया। इधर तरफ पर वॉशरूम भी देखेंगे तो बहुत ही अच्छा है। ये अपना कवर्ड है। कैसा लगा रूम? मस्त रूम है। एक्चुअली ये हम पहली बार इस होटल में आए हैं। मुझे एक्चुअली आइडिया नहीं था यहाँ का। तो हम लोग हुबली में पहले रुका करते थे, लेकिन फिर मैंने जब ऑनलाइन देखा कि लोग यहाँ पे बेंगलोर से आते हुए कोल्हापुर में रुकते हैं और ये होटल प्रेफर करते हैं। ये जस्ट रिसेंटली नया ही होटल है, लगभग 1-8 साल पुराना होगा, ये 1-2 साल पुराना होगा। तो फिर मैंने भी सोचा कि मैं इधर बुक कराता हूँ। और मेन है कि हाईवे साइड है तो बड़ी आसानी भी रहेगी यहाँ से निकलने में और आने में और जाने में भी, तो टाइम भी काफ़ी सेव होगा। रूम बड़ा है काफ़ी। रूम काफ़ी बड़ा है। ये आपको गैलरी का दिखा रहा हूँ। बिग रूम ना। तो आपको भी कभी आना हो तो यहाँ पे आप स्टे कर सकते हैं। ये इन हाउस रेस्टोरेंट भी है नीचे। हाँ, ब्रेकफास्ट इसमें इंक्लूडेड नहीं है, तो वो आपको अलग से लेना पड़ेगा यदि आपको ब्रेकफास्ट करना है। बट ब्रेकफास्ट भी हमें बहुत अच्छा लगा, पसंद आया यहाँ पे। तो इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैं नीचे डाल दूँगा, तो आप इसको रेफ़र कर सकते हैं। बुक करवाना हो तो आप करवा सकते हैं। बहुत ही बजट फ्रेंडली होटल है, नॉमिनल प्राइस है। आई थिंक इससे भी अच्छे अच्छे प्राइस में इतने बढ़िया होटल नहीं मिलते, लेकिन ये कम बजट में, आई वुड से नॉमिनल बजट में बहुत अच्छा होटल है।
तो हम लोग अभी निकलने की तैयारी में हैं, हमने बैग वैग सब पैक कर दिया है और अब हम लोग निकलेंगे। 11 बजे का इसका चेकआउट टाइम है, तो 11 बज चुके हैं, तो अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे। तो फिर आपसे मिलते हैं बाद में। इधर आ जाओ, इधर जाओ, टेंशन जा रही है। चलो अब निकल रहे हैं कोल्हापुर से। अभी निकल रहे हैं, ये बाहर का व्यू है यहाँ से, अच्छा लग। हाँ, तो अब हम फिर मिलेंगे बाद में पुणे पहुंच पुणे पहुंच के। हाँ ठीक।